हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज मैं आपने वीडियो सेशंस में नया कुछ चैप्टर जोड़ने वाला हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं आंसर देने वाला हूँ वीडियो में पूरे, जो भी आप देते हैं। मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे कमेंट्स अच्छे लगते हैं या जिनमें जिनको लगता है कि जिनको कमेंट्स से लेके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं कमेंट्स के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये इस सैटरडे यानी हर सैटरडे को मैं कमेंट बॉक्स में मैं मोस्टली जो अच्छे कमेंट्स होंगे उनको लेके मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपकी देखिए आपके भी वीडियो आपके भी कमेंट्स इसमें आएंगे, आपके भी डाउट सॉल्व होंगे उसमें। इसलिए ये मस्ट वॉच वीडियो है हमारे साथ, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको मैं बता देता हूँ, चलिए आपको लेके चलते हैं आपको पूरे मैटर पर जो आपको कमेंट्स आते हैं। मुकुल पांडे जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर मेरा CPWMTS में ज्वाइन कब करेंगे। ये ज्वाइन को लेके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग को लेके मैं बता दूं जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखो ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं उसी का बता सकता हूँ, अदर डिपार्टमेंट का मैं नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि वो लोग ज्वाइनिंग कब देंगे। ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता ऐसे चलेगा कि आप बिल्कुल कंसर्न डिपार्टमेंट से बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट करते रहिए या ऑफिस जाइए। आप ऑफिस अगर नहीं जा पाते हैं, दूर हैं किसी जगह पे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए किसी भी तरीके से। आप वही लोग बिल्कुल आपको क्लियर करके बता पाएंगे कि आपके ज्वाइनिंग कब करेंगे, आपके या मेडिकल कब होगा, या अटेस्टेशन फॉर्म बाय पोस्ट भेजना है या बाय ऑर्डिनरी डाक से भेजना है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ आपके डिपार्टमेंट वाले ही क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई भी बिल्कुल क्लियर एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट बॉक्स पर चलते हैं। नेक्स्ट है बबलू कुमावत का, बोल रहे हैं सर पूछ रहे हैं सर आर्कियोलॉजिकल राजस्थान का ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। मैं बता चुका हूँ, ज्वाइनिंग के लिए आपको सबसे बेस्ट है और सबसे सटीक जेन्यून जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आपका डिपार्टमेंट ही दे सकता है। आप डिपार्टमेंट से कंसर्न डिपार्टमेंट से बिल्कुल कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, और अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो बेटर सबसे बेटर है आप वहाँ पर जाके पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार कॉल रिसीव नहीं करते हैं बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में, क्योंकि उनके बहुत सारे काम होते हैं, तो सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बैठे हैं कि आपका कॉल रिसीव करें, या बहुत सारे डिपार्टमेंट तो जानबूझ के कॉल रिसीव नहीं कर सकते। तो आप सबसे बेटर आप वहाँ पर जाके आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए, सिलेक्शन का आपके पास जो भी प्रूफ है वो लेके जाइए, आप बताइए वहाँ पर, आपको बिल्कुल अच्छे से बैठाएंगे, बात कराएंगे, सारी चीज़ें होगी। इसलिए जो भी सिलेक्शन से रिलेटेड या ज्वाइनिंग से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा है या डाउट है वो सीधा आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके पूछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। सोबिक समानता जी पूछ रहे हैं, दो क्वेश्चन है इन्होंने एक्चुअली, कि सर व्हाट शुड बी माय स्कोर टू गेट सिलेक्टेड इन SSC MTS 2018। ये पूछ रहे हैं कि SSC MTS 2018 के लिए सबसे जो सिलेक्टेड होने के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो ऊपर भी एक क्वेश्चन इन्होंने एक और पूछा है, प्लीज़ एडवाइस इट विल बी अबव 140 प्लस इन अपकमिंग 2018 एग्जाम। तो मैं सौभिक जी आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अभी ना एग्ज़ाम से पहले कोई भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है कि आपके कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या सेफ स्कोर होगा। फिर भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा डिले होने वाला है क्योंकि सितंबर तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अभी CPO CGL स्टैंड है, देन आपका MTS का एग्ज़ाम है, अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए आप। फिर भी आप ये समझ लीजिए एग्ज़ाम से पहले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, फिर भी मैं बता दूँ आपको 130 या 135 आपके लिए फिर भी सेफ स्कोर रहेगा, आप इसे लेके चलिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। आशीष कुमार पटेल जी का कमेंट है, पूछ रहे हैं ज्वाइनिंग जो है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी या पहले। तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग आपकी पहले जो मोदी गवर्नमेंट से पहले आपकी ज्वाइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन के बाद होती थी, लेकिन उससे आपका 3 to 4 months और डिले होता था, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बहुत काफ़ी टाइम लगता है आपको। बाई पोस्ट आपका पुलिस स्टेशन पहले आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में जाता है, फिर आपके चौकी में आता है, नियरेस्ट पुलिस चौकी में आता है या थाने में आता है, ये सब चीज़ें बहुत टाइम लग जाता है। अब मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है आपके ज्वाइनिंग के 3, 4, 5 या 6 महीने बाद ही होगा। तो मेरा आंसर यही है आशीष कुमार जी के लिए कि ज्वाइनिंग जो है पुलिस वेरिफिकेशन के पहले हो जाती है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। देवाशीष मिश्रा जी हैं, ये मेरे बहुत ही पुराने, मैं बता दूं जो मेरे कमेंट्स करते हैं या मुझे लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो आगे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन है सर जी, आगे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन देते रहेगा, थैंक्स। तो आप लोगों का ये प्यार है, आप लोगों का ये सपोर्ट है जो मैं इस मुकाम पे पहुँचाऊँ। अभी मेरे 62 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, 6 लाख से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं, आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही है, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल आप मेरी फैमिली की तरह बने हुए हैं। तो इसी तरह आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन है या जो कोर्सेस हैं या वीडियोस हैं आपको मैं लेके आता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो डिपार्टमेंट के आप जॉब कर रहे होते हैं वहीं पर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो एक बार और देवाशीष मिश्रा जी का थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट में कुमार दीपक जी बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट टोटल लीव एंड मेडिकल फैसिलिटीज गिवन टू एम्प्लॉई।
कुमार दीपक जी, आपके लिए सबसे बड़ी बात तो थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आगे वीडियो और भी बना सकूं मेडिकल फैसिलिटीज़ और लीव के लिए। आप सब, मैं बता दूं आप लोगों के लिए, आप लोगों का सपोर्ट ही और प्यार ही जो हमें इस, मैं ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से आने के बाद आपका वीडियो बनाता हूं, बहुत सारे काम होते हैं मुझे, फिर मैं वीडियो टाइम निकाल के बनाता हूं, क्योंकि आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो है, जो भी कभी भी टाइम मिलेगा, जब मैं आपको टोटल जितनी भी लीव होती हैं, चाहे वो 8 CL हो, 30 आपकी EL हो, पहले से 15 EL आपको जून तक की मिलती हैं, जनवरी जून तक, जून से लेके आपको जनवरी तक के लिए वापस आपको 15 CL मिलती हैं, आपको RH मिलती हैं दो, इसके अलावा बहुत सारी कम्यूटेड लीव होती हैं, हॉस्पिटल लीव होती हैं, बहुत सारी लीव्स होती हैं, उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट के ऊपर चलते हैं। मोहन श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, सर CHSL के अटेस्टेशन फॉर्म ग्रेजुएशन ना भरे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मैं बता दूं आपको, अगर आप जैसे सपोज आप MTS के लिए, तो आप अगर 12th और ग्रेजुएशन नहीं भरते हैं और बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है तो आप लगा देंगे, तो आपको प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। वही आप CHSL की बात करें, तो अगर आप ग्रेजुएशन नहीं लगाते हैं, सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका चेक होगा, उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं लगाते तो कोई इशू नहीं है, और आप लगा देते हैं तो आपके लिए प्रमोशन के लिए आगे बहुत ही फायदा होगा, और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट कमेंट क्या है, भूषण बुरोक जी का है, प्लीज़ मैक वीडियो ऑन एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ रेलवे TT। अभी मैं रेलवे के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे मुझे जेन्यून इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो रेलवे में TT हैं, तो मैं आगे रेलवे के ऊपर भी जो भी एडवांटेज और डिसवांटेज उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछते हैं, ऋषिकेश डे जी पूछ रहे हैं, क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा उस दिन? इनका कहने का मतलब है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया जाता है? तो मैं आपको बता दूँगा, आपके लिए आंसर है यस, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया जाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में तो 10 दिन 15 दिन के लिए रख लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे चेक होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कई सारी मेथड्स होती है, फॉरेंसिक लैब में भी जाती है बहुत सारे डॉक्यूमेंट जिनके लगता है कि फेक या कुछ है इस टाइप से हैं, तो लेकिन आपको कुछ 10-15 दिन बाद आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट उसी दिन चेक करके उसी दिन वापस भी कर देते हैं, लेकिन हाँ रख लिए जाते हैं, चाहे वो 4 घंटे के लिए रखें, चाहे 6 घंटे के लिए, चाहे 10 से 15 दिन के लिए रखें। चलिए नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। आपको राजा यादव जी बोल रहे हैं, सर एक्सटेंशन के बारे में जानकारी दें। एक्सटेंशन क्या होता है बता दूं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो किसी एक जॉब को छोड़ के जब किसी दूसरी जॉब में जाते हैं तो उनको ये NOC में बता रहा हूँ, NOC ये होती है, अभी एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, NOC होती है जब एक डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता है, तो जब उनको NOC अपने सीनियर्स के थ्रू मिलती है। अब बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप जैसे सपोज आपको ज्वाइन नहीं कर रहा हो, आपको कुछ किसी रीजन के कारण आपको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, यानी ज्वाइनिंग से आप बोल सकते हैं कि हम इस जॉब को 1 महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को आपको इंटीमेट करना पड़ता है, आपको वहाँ पे ऑफिशियल से मिलना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद में वो इजीली आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, और आप अभी भी आगे आइए और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारे कमेंट्स आपको मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स ले लिए हैं, आगे और भी कमेंट्स लूँगा, और मैं बता दूँगा आपको हर सैटरडे में कमेंट्स लेने वाला हूँ, और कई सारे कमेंट्स मैं जो मोस्टली सेम होंगे क्वेश्चन वही लेने की कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं हर सैटरडे ये कमेंट्स बॉक्स डालने वाला हूँ, सैटरडे कमेंट्स बॉक्स डालने वाला हूँ, और होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।